तहसील परिसर में दस्तावेज लेखक और जमीन बेचने आए लोगों के बीच स्टैंप अधिक लगाने को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद घर लौटते समय दस्तावेज लेकर राजेंद्र कुमार जैन के साथ मारपीट की गई। पुलिस द्वारा इस मामले में लचर कार्यवाही का आरोप लगाते हुए वकील और दस्तावेज लेखकों ने तहसील परिसर में तालाबंदी कर अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की। आपको बता दें कि बीते दिन तहसील परिसर में दस्तावेज लेखक राजेंद्र कुमार जैन और बैनामा कराने आए व्यक्ति के बीच जमकर तकरार हुई, जिसके बाद शाम को घर लौटते समय राजेंद्र कुमार जैन को GIC मैदान पर रोककर जमकर मारपीट की गई। घटना के बाद न्यायालय परिसर में वकीलों और दस्तावेजों में आक्रोश दौड़ गया, जिसके बाद वकीलों और दस्तावेज लेखकों ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर दिया और प्रशासनिक भवन पर तालाबंदी कर दी। राजेंद्र कुमार जैन ने बताया उनके साथ जमकर मारपीट की गई और 1.5 लाख रुपए और कुछ अन्य जरूरी कागज लूट लिए गए, पर थाना पुलिस द्वारा अभी तक कोई मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही नहीं की गई है, जिसके कारण अनिश्चित काल के लिए तहसील परिसर में दस्तावेज लेखक और वकील हड़ताल पर रहेंगे और प्रशासनिक भवन पर वकीलों और दस्तावेज लेखकों ने तालाबंदी की है। कल हमारे दस्तावेज लेखक ने राजेंद्र जैन साहब उनके ऊपर और उनकी लूट हुई है भय बाजार में, और उसी संदर्भ में घटना के संदर्भ में पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस को विवाद को लेकर के उनकी घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने और जिन्होंने घटना घटी की उनको अरेस्टिंग कराने के विरोध में समर्थन में हम लोगों ने यहाँ कार से निरत हैं। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष लाल बहादुर राजपूत ने बताया कि पुलिस द्वारा इस पूरे मामले पर लचर कार्यवाही की गई है। दस्तावेज लेखकों की सुरक्षा के प्रति प्रशासन गंभीर नहीं है। पुलिस द्वारा अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है और जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक वकील और दस्तावेज लेखक न्यायिक कार्य नहीं करेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे। आज न्यायिक कार्य से बोलते क्या मामला है? कल मेरा नाम राजेंद्र कुमार जैन है, मैं डीड राइटर हूँ तहसील में। कल चार समाप्त करके मैं जा रहा था, मुझे चार विंडो ने छांटा बांधे हुए थे और GIC फील्ड के सामने मुझे घेर लिया, मुझे लाभ दी जिससे मैं स्कूटर सहित गिर गया। मेरे पास एक ब्रीफकेस था जिसमें सरकारी कागजात, ई स्टाम्पे और 1.5 लाख रुपए नकद थे, जिसमें से 1.5 लाख रुपए वो लूट ले गए और उसमें से ई स्टाम्पिंग भी कुछ। तो मुकदमा दर्ज किया पुलिस ने? मुकदमे के लिए हम शाम को थाना सागर गए थे, लेकिन उसने मुकदमा दर्ज नहीं किया कि कार्रवाई करूंगा तब मुकदमा दर्ज कर दिया। बताया जा रहा है कोई आपसी विवाद था? आपसी विवाद कुछ नहीं था, केवल वो स्टाम्प कमी का बैनामा लिखवाना चाहता था हमसे कि आप स्टाम्प कम करके इसमें बैनामा लिख दो। मैंने कि हमारे यहाँ ऐसा काज नहीं होता है, हम तो जितने स्टाम्प सर्किल रेट से लगते हैं उतने ही लगाएंगे। अब क्या रणनीति है? और वो बोला 95,000 रुपये तुमने मेरे घुसवा दिए हैं, मैं तुम्हें बाहर देख लूंगा। उसने कल देख ली, ये जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी उनकी तब तक ये हड़ताल चलती रहेगी। इस दौरान वकीलों और दस्तावेज लेखकों ने प्रशासनिक भवन पर ताला डाल दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट।